For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. Hi guys, this is Vivan Batena and you're watching FilmyMantra.com. Hi guys, this is Anita and you're watching Filmy Mantra Talk Show powered by EaseMyTrip.com. Today we have the hot and handsome model turned actor Vivan Batena with us. Hi Vivan, welcome Hi. On the show. Hi. So Vivan, I really need to know, what is the secret behind this fit body and the good looks? Actually, the secret is very simple. कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे कोई पिक्चर नहीं देगा, काम नहीं देगा, तो झक मार के करना पड़ता है. So it's very simple कि मैंने actually after Hero, जब मैं Hero कर रहा था, तो निखिल अडवाणी ने कहा था कि सलमान has decided to include a bare body fight sequence and all. तेरे पास एक महीना है. तो ऐसा एक महीने में कैसे करूँगा, सूरज इज बिन वर्किंग फॉर 8 years एंड यू नो ही गॉट दिस मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग. तो मैंने बोला मैंने चलो जितना होता है मैं करता हूँ. लकीली क्या हुआ, कुछ फिल्म में डिलेज आ गए तो मेरे पास 3 महीने थे. तो मुझे 3 महीने मिले तो आई पुट माई लिटरली माई हार्ट एंड सोल एंड माई ब्लड एंड स्वेट इन टू इट. एंड मैंने बहुत वर्कआउट किया और 4-4, 5-5 घंटे रोज मैं जिम जा रहा था, फाइट ट्रेनिंग कर रहा था, ये कर रहा था. एंड देन आई गॉट इनटू ग्रेट शेप, सो मच सो दैट आई वॉन्टेड टू अपियर अ सर्टेन वे ऑन द स्क्रीन, बिकॉज वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि ही शुड लुक मैनेसिंग. तो वो अचीव मैं कर पाया. तो आफ्टर दैट एक्चुअली काइंड ऑफ गॉट एडिक्टेड टू इट ओनली. और मैंने बोला इतनी मेहनत की है एक साल मैंने, तो अभी यू नो यू माइट एज वेल कंटिन्यू दैट, बिकॉज दैट समहाउ बिकम्स योर USP ऑल्सो. बिकॉज यू नो यू हैव अभी जितने भी हीरोज भी हैं, एक्चुअली ये सब ऋतिक रोशन की गलती है. इन्होंने जब बॉडी बना दी हमारी सबकी वाट लगा दी. अभी सब अभी बेचारा टाइगर तो जिम में आई थिंक सोता भी है. तो यू नो तो इट्स लाइक दैट यू नो वी आर नाउ कम इट्स अ रिक्वायरमेंट. अभी ऐसा हो गया है कि हमें हम ना करें तो हमें प्रॉब्लम है. तो यू नो दे सी यू, दे वांट टू सी यू इन अ सर्टेन वे. तो एक फिजिकैलिटी होनी चाहिए और आई एम अ स्लाइटली यू नो बिगर इंडिविजुअल. तो वो जो फिजिकैलिटी है वो मुझ पर बेटर भी लगती है एक्चुअली, वरना मैं बहुत पतला लगता हूँ स्क्रीन पर. So that's the reason why I keep fit and stuff like that. I eat healthy. I enjoy it also. You know, it's nice when you get compliments, right. And you kind of work in it, that we make that part of your personality and your modus operandi. You know, during Hero, you met Salman and you had a very good equation with him. How do you find him as an actor, as a person? I think he's, you know, honestly, I've said this in the past also. He's a blessed human being. Because he's such an amazing guy also. And like, you know, I feel he was so humble. He called me up. Like after he saw the first cut of the film, he called me up and I was like, and Suraj called me up very frantically at about 11:30 at night and all. And I was at the airport trying to board a flight. And before I could say ha, what, anything, he's given him the phone and he's like, ah, kao. So I was like, अरे सर आप तो सी से हाँ बहुत शर्ट वर्ट उतार रहे हैं. तो मैंने बोला अरे सर क्या हो गया, आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं बहुत पसंद है, यू डन अ फैबुलस जॉब. अच्छा कहाँ है तू? तो बोला एयरपोर्ट में हो. अच्छा घर पे आ जा. बोला अरे सर अभी मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं सिक्योरिटी चेक पार कर चुका हूँ. बोलते नहीं नहीं छोड़ दे, अभी अगली कल जाना तू फ्लाइट पर, तू घर पर आ जा. तो बोला सर प्लीज़ मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं पिट जाऊँगा वहाँ पर, प्रोड्यूसर मर जाएगा. बोलता अच्छा कोई बात नहीं, तो अगली बार आना. देन ही कॉल्ड मी टू द फार्म हाउस एंड ही वाज वेरी वेरी स्वीट एंड यू नो ही गेव मी अ नाइस हग एंड ही सेड यू नो यू डन अ फैबुलस जॉब एंड आई रियली वांटेड दैट फिजिकैलिटी टू कम अक्रॉस एंड यू फुलफिल्ड माय विजन. एंड यू नो इवन निखिल सेड द सेम थिंग, लाइक आई ऑलमोस्ट हैड टीयर्स इन माय आईज आफ्टर आई केम आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज एवरीबॉडी केम एंड टोल्ड मी व्हाट अ फैबुलस जॉब आई हैव डन. वो अलग बात है कि दो साल तक उसके बाद काम ही नहीं मिला. सिटिंग एट होम वेटिंग फॉर कि यार इतना अच्छा काम किया कुछ मिलेगा, कुछ नहीं हुआ. But it Judo happened because of that, because David sir saw me in that film and he said I want this boy. And you know that's the way things happen. You just take your time, do your best and you see how it goes. And you know he's an amazing individual. He's right. He's great fun to you know talk to and like be with, and he's a man's man. And like you know I appreciate these people who are so successful despite so many odds and stuff like that he's also gone through in his life. And he's done a fabulous job and he like helps so many people, so that's also very nice. You know, I think he's a great individual. And also he's the only actor who loves Ramoni's t-shirt on screen. Yeah, I think that's so sad for him that poor chap abhi bhi unko itna pressure dala jata ki sir body hai wo abhi itni umar mein unko you know it's very difficult to maintain. He's managed to do that also. I mean that hats off to him that he does still does stunts and
इट्स अमेजिंग, क्योंकि मेरी अभी से हालत खराब होती है जब स्टंट्स करने होते हैं, इतने यू नो सो मेनी पीपल डोंट रियलाइज कि छोटी छोटी चीज़ें वो देख के वो, बिकॉज अभी कॉमन हो गया है यू नो गाड़ी को उड़ाना, यहाँ गिरना, वहाँ उड़ के पड़ना, एंड दे डोंट रियलाइज कि आपको कितनी मार पड़ती है. इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ इंजरीज एंड ऑल दैट हैपन. लाइक आई ट्विस्टेड माई नी ऑन माई साउथ फिल्म, आई कुडंट डू एनी लेग एक्सरसाइज फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो दे आर द ट्रूथ्स ऑफ द मैटर व्हेन यू आर वर्किंग विद अ थिंग. यू आल्सो वर्क्ड विद आमिर, सो आर यू स्टिल इन टच विद हिम आफ्टर दंगल? हैव यू मेट हिम? आमिर सर डज कॉल मी वंस इन अ व्हाइल फॉर लाइक, वो क्या है ना, वो आमिर सर ऐसे हैं कि बहुत ही चालाक है. वो क्या है, सबसे पूछ लेते हैं फिर अपना करते हैं वो. तो नहीं, बहुत बहुत ही एक्चुअली इतने हम्बल इंसान मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे नहीं, एंड बीइंग इन अ पोजीशन दैट ही इज, वो इतने हम्बल है. तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ, सर आप इतना हम्बल मत बनिए, मुझे अजीब लग रहा है आप इतने, क्योंकि ये शो ओनली कॉम्प्लीमेंट किया, अरे यार तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम. मैंने यार सर आप मत बोलिए, मेरे को अजीब हजम नहीं हो रहा है, इतना मत बोलिए, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मत दीजिए, मेरे को आदत नहीं है. बट ही इज अ वेरी नाइस गाय, यू नो, एंड द थिंग इज ही प्रमोटेड मी इन द फिल्म ऑल्सो, विच ही डिडंट हैव टू डू, यू नो, लाइक आई प्लेड सच अ बिट रोल इन इट, एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड सेड दैट देख छोटा सा रोल है तू करेगा, मुझे पता है कि तू बड़े बड़े रोल्स भी कर रहा है लेकिन ये छोटा सा रोल है, लेकिन मेरे साथ है तो तू करेगा क्या? तो मैंने बोला यार सर आप बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं करूँगा. मैन यू नो मुकेश छाबरा स्पोकिंग मी फ्रॉम द बैक सीट, कर कर आम लाइक तू चुप बैठ भले सुनने तो दे. तो यू नो आई वॉज लाइक टॉकिंग टू हिम एंड यू नो ऑफकोर्स मुकेश ऑल्सो इज अ वंडरफुल इंडिविजुअल, ही इज बिन इंस्ट्रूमेंटल इन लाइक ऑल द मूवीज आर डन फ्रॉम हीरो टू दंगल टू लाइक इवन हे स्टोरी देर वॉज अ सर्टन इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम हिज साइड. सो यू नो ही इज बिन इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग मी एंड आई नो हिम फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स नाउ ऑलमोस्ट, आई थिंक 15 साल से तो जानता ही हूँ उसको, जब से वो AD था तब से, और अब कहाँ पहुँच गया, अभी डायरेक्टर बनने वाले हैं सून. तो इट्स एन अमेजिंग जर्नी टू बी यू नो लाइक आई एम जस्ट री इवेल्युएटिंग लाइक ऑल द जर्नीज दैट आई हैव बीन इन. आई गॉट टू वर्क विद सच अमेजिंग पीपल इन लाइक मिस्टर आमिर खान, हु इज सच अ हम्बल अमेजिंग इंडिविजुअल दैट यू नो ही अलाउज यू योर स्पेस ऑन स्क्रीन ऑल्सो. इफ ही फाइंड समथिंग देन ही'ल टेल यू थोड़ा सा इसको कम कर, थोड़ा सा ये कर ले, ऐसा कर ले, बट अदरवाइज ही डजंट इंटरफेयर और ही डजंट कंट्रोल और ही डजंट यू नो लाइक बिकॉज यू गो विद दैट. आई डन तलाश विद हिम ऑल्सो एंड यू नो एंड फनी थिंग इज मैं तो छोटा सा रोल था मेरा उसमें, तो ही डिडंट इवन रिमेंबर मी. तो आई टोल्ड हिम सर मैंने आपका तलाश की, क्या बात करा रही है, वो शिट आई फॉरगॉट आई फॉरगॉट, ओह शिट यार, बोला कोई बात नहीं सर, वो मैं बहुत पतला था और मैं आई वाज प्लेइंग अ टीनेजर इन दैट, तो आपको याद भी नहीं होगा.